शांति। 8 सितंबर 2021। प्रस्तुत हैं शिव बाबा की मीठी मुरली। मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना यह भी दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। प्रश्न: सत्युग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती है, क्यों? उत्तर: क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सदगति में भेज देते हैं। भक्ति का फल मिल जाता है। ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डिवोर्स हो जाता। जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध का समय, तो भक्ति तप दान पुण्य करने की जरूरत ही क्या? वहाँ ये कोई भी रस्म हो नहीं सकती। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान उवाच: अब बाप बैठ बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। बच्चों को समझाया गया है, जब मैं यहाँ आता हूँ तो पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ। और कोई ये ज्ञान सिखला ना सके, वह भी भक्ति ही सिखलाते हैं। ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे ही सीखते हो, जो तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझते हो। दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारे सामने खड़ा है, वहाँ भी राजयोग की तपस्या में बैठे हैं। जगत अम्बा भी है, प्रजापिता भी है, कुमारी कन्या अधर कुमारी भी है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। ऊपर में राजाई के चित्र भी खड़े हैं। बाप कोई भक्ति नहीं सिखलाते हैं, भक्ति ही उनकी करते हैं जो सिखला कर गए हैं। परंतु उनको पता नहीं है कि कौन राजयोग सिखलाए राजाई स्थापन करके गए हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो, भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान सुनाने वाला है ही एक, और कोई सुना ना सके। ज्ञान का सागर एक ही है, वही आकर ज्ञान से पतितों को पावन बनाते हैं। और जो भी सत्संग हैं उनमें कोई भी ज्ञान नहीं सिखला सकते। भल अपने को श्री श्री 108 जगत गुरु भगवान भी कहते हैं, परंतु ऐसे कोई नहीं कहते कि मैं सबका परम पिता ज्ञान का सागर हूँ। उनको कोई परम पिता तो कहते ही नहीं, ये तो जानते ही हैं कि परम पिता पतित पावन है। ये पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति रखनी है। मनुष्य कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियाँ तो भक्ति को डिवोर्स देती हैं, लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति को डिवोर्स देना ही है। ऐसे नहीं, जब भक्ति में जाते हैं तो उस समय ये मालूम पड़ता है कि हम ज्ञान को डिवोर्स देते हैं। नहीं, वह तो ऑटोमेटिकली रावण राज्य में आ जाते हैं। अभी तुमको समझ मिली है कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। राजयोग का ज्ञान है, इनको भक्ति नहीं कहेंगे। भगवान ज्ञान का सागर है, वह कभी भक्ति नहीं सिखलाएंगे। भक्ति का फल है ही ज्ञान। ज्ञान से होती है सदगति। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया को दुख धाम कहा जाता है। इन बातों को अभी तुम समझते हो। बाप आया हुआ है भक्ति का फल अर्थात सदगति देने, राजयोग सिखला रहे हैं। ये है पुरानी दुनिया जिसका विनाश होना है। हमको राजाई चाहिए नई दुनिया में। ये राजयोग का ज्ञान है। ज्ञान सिखलाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा शिव है, उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है, कृष्ण को नहीं। कृष्ण की महिमा ही अलग है। जरूर आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया है जो प्रिंस बना है। अभी तुम जानते हो, हम राजयोग का ज्ञान ले नई दुनिया में स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग को सदगति, नर्क को दुर्गति कहा जाता है। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी जो ये ज्ञान नहीं लेंगे, पावन नहीं बनेंगे, तो राजधानी में आ नहीं सकेंगे, क्योंकि सत्युग में बहुत थोड़े होंगे। कलयुग अंत में जो इतने अनेक मनुष्य हैं, वे जरूर मुक्ति धाम में होंगे। गुम नहीं हो जाते हैं, सब घर चले जाते हैं। अभी तो बच्चों को घर याद रहता है कि अब 84 जन्म का चक्र पूरा होता है, नाटक पूरा होता है, अनेक बार चक्र लगाया है। ये तुम
ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, ब्राह्मण तो बनते जाते हैं। 16108 की माला है, सत्युग में तो बहुत नहीं होंगे। सत्युग का मॉडल रूप भी दिखलाते हैं ना, बड़ी चीज़ का मॉडल छोटा होता है, जैसे सोने की द्वारिका दिखलाते हैं। कहा जाता है द्वारिका में कृष्ण का राज्य था, अब द्वारिका में कहेंगे व दिल्ली में कहेंगे। जमुना का कंठा तो यहाँ दिल्ली में है, वहाँ तो सागर है, ये तो बच्चे समझते हैं। जमुना का कंठा था कैपिटल, द्वारिका कैपिटल नहीं है, दिल्ली मशहूर है। जमुना नदी भी चाहिए, जमुना की महिमा है, परिस्तान दिल्ली को ही कहा जाता है। बड़ी गद्दी दिल्ली ही होगी, अभी तो बच्चे समझते हैं। भक्ति मार्ग खलास हो, ज्ञान मार्ग होता है, ये दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं आगे चल तुमको सब मालूम पड़ जाएगा, कौन कौन कितना पास होते हैं। स्कूल में भी मालूम पड़ता है फलाने फलाने इतने नंबर से पास हुए हैं। अभी दूसरे क्लास में जाते हैं, पिछाड़ी के समय जास्ती पता पड़ेगा कौन कौन पास होते हैं, जो फिर ट्रांसफ़र होंगे। क्लास तो बड़ा है ना, बेहद का क्लास है। सेंटर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, कोई आकर 7 रोज का कोर्स अच्छी रीति लेंगे, 1-2 रोज का कोर्स भी कम नहीं है। देखते हैं कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, अब सतो प्रधान बनना है। बाप ने कहा है बुद्धि योग मेरे से लगाओ तो सतो प्रधान बन जाएंगे, पवित्र दुनिया में आएंगे, पाठ तो ज़रूर बजाना ही है। जैसे ड्रामा में कल्प पहले पाठ बज चुका है, भारतवासी ही राज्य करते थे, फिर वृद्धि को पाया है, झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। भारतवासी देवी देवता धर्म वाले हैं, परंतु पावन न होने के कारण उन पावन देवताओं को पूजते हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को पूजते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग में, सतयुग की स्थापना करने वाला है बाप। बरोबर सतयुग में इन देवताओं का राज्य था, तो ज़रूर 1 जन्म पहले इन्होंने पुरुषार्थ किया होगा, ज़रूर वह संगम ही होगा। जबकि पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया होती है, कलयुग बदल सतयुग आना है, तो कलयुग में पतित होंगे। बाबा ने समझाया है ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो व लिटरेचर छपाते हो तो उसमें लिख देना चाहिए कि इन्होंने इस सहज राजयोग के ज्ञान से आगे जन्म में यह पुरुषार्थ किया है। सिर्फ राजा रानी तो नहीं होंगे, प्रजा भी तो बननी है ना। अज्ञान में तो कुछ भी मनुष्य नहीं जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो वे लोग पूजा करते हैं तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण को ही देखते रहते, ज्ञान कुछ भी नहीं। लोग समझाते हैं भक्ति बिगर भगवान ही नहीं मिलेगा। तुम किसको कहते हो भगवान आया हुआ है तो तुम पर हंसते हैं। भगवान तो आएगा कलयुग के अंत में, अभी कहाँ से आया। कलयुग की अंत में भी क्यों कहते हैं ये भी समझते नहीं। वह तो कृष्ण को ले गए हैं द्वापर में, मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते हैं बिगर समझ के। इसलिए बाप कहते हैं तुम बिल्कुल ही बेसमझ बन गए हो। बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्ति बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है, भक्ति की चमक कितनी है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और कहाँ भी सत्संग आदि में जाएंगे तो आवाज़ ज़रूर होगा, गीत गाएंगे, यहाँ तो बाबा रिकॉर्ड भी नहीं पसंद करते, आगे चल शायद ये भी बंद हो जाएं। बाप कहते हैं इन गीतों आदि का सब सार तुमको समझाता हूँ, तुम अर्थ जानते हो, ये पढ़ाई है। बच्चे जानते हैं हम राजयोग सीख रहे हैं, अगर कम पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे, इसलिए जो बहुत होशियार हैं उनको फॉलो करना चाहिए।
क्योंकि उनका पढ़ाई में अटेंशन जास्ती है तो उससे फायदा होगा। जो अच्छा समझाने वाले हैं उनसे सीखना चाहिए, जो अच्छा समझाते हैं उनको सेंटर्स पर याद करते हैं ना। ब्रह्मा कुमारी तो बैठी है, फिर कहते हैं फलानी आए, समझते हैं ये बड़ी होशियार है। ऐसे हैं तो उसका फिर आदर भी करना पड़े, बड़े का फिर रिगार्ड भी ऐसा रखना होता है। ये ज्ञान में हमारे से तीखे हैं, ज़रूर इनको ऊंच पद मिलेगा। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, बड़ों की बड़ी इज्जत होती है, प्रेसिडेंट की ज़रूर जास्ती इज्जत होगी। हर एक की नंबर वार इज्जत होती है, एक दो का रिगार्ड तो रखेंगे ना। बैरिस्टर में भी नंबर वार होते हैं, बड़े केस में बड़ा होशियार वकील लेते हैं, कोई कोई तो लाख रुपए का भी केस उठाते हैं, नंबर वार ज़रूर होते हैं। हमसे होशियार हैं तो रिगार्ड रखना चाहिए, सेंटर संभालना है, सब काम भी करना है। बाबा को सारा दिन ख्यालात रहते हैं ना, प्रदर्शनी कैसे बनाई जाए, पूरा अटेंशन देना है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, बाप आए ही हैं सतो प्रधान बनाने, पतित पावन बाप ही है। यहाँ फिर कहते पतित पावनी गंगा, उसमें जन्म जन्मांतर स्नान करते आए हैं। पावन तो कोई भी नहीं बना है, ये सब है भक्ति। जबकि कहते हैं हे पतित पावन आओ, वह आएगा तो ज़रूर संगम पर, और एक ही बार आते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, जैसे नेपाल में अष्टमी पर बलि चढ़ाते हैं, छोटे बच्चे को हाथ में बंदूक दे चलवाते हैं, वह भी बलि चढ़ाएंगे। बड़ा होगा तो एक धक से बछड़े को काट देगा, कोई ने कम धक लगाया, एक धक से ना मरे तो वह बलि नहीं हुई, वह देवी पर नहीं चढ़ाएंगे। ये सब है भक्ति मार्ग, हर एक की अपनी अपनी कल्पना है, कल्पना पर फॉलोअर्स बन जाते हैं। यहाँ फिर ये नई बातें हैं, इनको तो बच्चे ही जान सके। एक ही बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, तुमको खुशी रहती है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, और कोई समझ ना सके। तुमको सभा में हम कहेंगे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, तो इसका अर्थ तुम समझेंगे। नया कोई होगा तो मूंझ जाएगा कि ये क्या कहा। स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है, ये नई बात है ना, इसलिए तुम्हारे लिए कहते हैं बाहर मैदान में आओ तो पता पड़े। तुम्हारा है ज्ञान मार्ग, तुम पांच विकारों पर जीत पाते हो। इन असुरों अर्थात पांच विकारों से तुम्हारी लड़ाई है, फिर तुम देवता बनते हो, और कोई लड़ाई की बात नहीं होती। जहाँ असुर हैं वहाँ देवताएं होते नहीं। तुम हो ब्राह्मण देवता बनने वाले, जो पुरुषार्थ कर रहे हो। रुद्र ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ होता नहीं। रुद्र है शिव, फिर कृष्ण का नाम कहाँ से आया। तुम दुनिया से बिल्कुल ही न्यारे हो, और तुम हो कितने थोड़े। चिड़ियाओं ने सागर को हप किया, शास्त्रों में दंत कथाएं कितनी हैं। बाप कहते हैं अब वह सब भूल माँ में कम याद करो, आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप तो एक है ना, हे परमात्मा व प्रभु कहते हैं तो उस समय लिंग भी याद नहीं आता है, सिर्फ ईश्वर व प्रभु कह देते हैं। आत्मा को बाप से आधा कल्प का सुख मिला हुआ है तो फिर भक्ति मार्ग में याद करती है। अभी तुमको नॉलेज मिली है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हम सब आत्माएं मूल वतन में रहने वाली हैं, वहाँ से नंबर वार पाठ बजाने आती हैं। पहले आते हैं देवी देवताएं, कहते हैं क्राइस्ट के पहले देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष की बात है, वो लोग कह देते 50,000 साल की ये पुरानी चीज़ है, परंतु 50,000 वर्ष की पुरानी चीज़
कोई हो नहीं सकती। ड्रामा है ही 5000 वर्ष का, मुख्य धर्म है ही ये। इन धर्म वालों के ही मकान आदि होंगे। पहले पहले तो रजोगुणी बुद्धि थे, अभी तो और ही तमोगुणी बुद्धि वाले हैं। प्रदर्शनी में कितना समझाते हैं, किसकी समझ में थोड़े ही आता है। ब्राह्मणों की ही सैपलिंग लगनी है, तो बच्चों को समझाया गया है। ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। ज्ञान से सदगति होती है, इसलिए कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ, दुख से लिबरेट करो, फिर गाइड बन साथ ले जाएंगे। बाप आकर आत्माओं को ले जाते हैं, शरीर तो सब खत्म हो जाएंगे, विनाश होगा ना। शास्त्रों में एक ही महाभारत की लड़ाई गाई हुई है, कहते भी हैं ये वही महाभारत की लड़ाई है। वह तो लगनी ही है, सबको बाप का परिचय देते रहो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का उपाय तो एक ही है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और आत्मा मेरे साथ चली जाएगी। सबको संदेश देते रहो तो बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जो पढ़ाई में होशियार हैं, अच्छा समझाते हैं, उनका संग करना है, उन्हें रिगार्ड देना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है। दूसरा, ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना व समझाना है। इसी खुशी में रहना है कि हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी। वरदान, एक बाप की याद में सदा मगन रह, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। स्पष्टीकरण, अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पाठ हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ हो, हर पाठ साक्षी दृष्टा होकर देखो, एक रस अवस्था हो। परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मग्न होंगे। स्लोगन, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। ओम शांति।